हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, बॉलीवुड स्टार जॉन अब्राहम और अर्जुन कपूर की मल्टी स्टारर फिल्म इक्विवेलेंट रिटर्न्स ने उम्मीद के मुताबिक दूसरे दिन भी अच्छी कमाई हासिल की। जी हां, फिल्म का कलेक्शन दूसरे दिन काफी पॉजिटिव में रहा। तमाम नेगेटिव रिव्यूज और क्रिटिक्स की आलोचनाओं के बाद भी फिल्म दूसरे दिन स्थिरता के साथ कलेक्शन करती रही। दूसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में गिरावट नहीं बल्कि हल्की फुल्की बढ़त दिखाई दी, जिसकी वजह से उम्मीद लगाई जा रही कि ये फिल्म अपने पहले वीकेंड में अच्छी कमाई हासिल कर सकती है। पहले दिन जॉन अब्राहम, अर्जुन कपूर, दिशा पाडवी और तारा सुतारिया स्टारर इस फिल्म ने 7 करोड़ 5 लाख रुपए का बिजनेस किया, तो वही दूसरे दिन फिल्म ने 7 करोड़ 47 लाख रुपए की कमाई की है। इसके साथ ही फिल्म ने महज 2 दिनों में अपने खाते में करीब 15 करोड़ रुपए जोड़ लिए हैं। मतलब हिट फिल्मों के लिए तरस रही बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये थोड़ी राहत की बात है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म वीकेंड के बाद कैसा कलेक्शन करती है, क्योंकि मेन है संडे और हमेशा देखा गया कि संडे को हमेशा ही ग्रोथ देखने को मिलती है कलेक्शन के मामले में। तो हो सकता है कि फिल्म आराम से 10 करोड़ के आसपास तीसरे दिन कमाई कर जाए और इस तरह फिल्म अपने 3 दिनों में 25 करोड़ के आसपास की कमाई कर सकती है। और अगर फिल्म इतनी कमाई कर लेती है तो कह सकते हैं कि ये फिल्म फ्लॉप नहीं होगी बल्कि अब एवरेज की लिस्ट में शामिल हो जाएगी। दोस्तों, इस फिल्म को बनाने में करीब 70 से 80 करोड़ रुपए खर्च किए गए। फिल्म को देश भर में करीब 3000 स्क्रीन्स पर इसे रिलीज किया गया। अब ऐसे में जरूरी है फिल्म को हिट का टैग हासिल करने के लिए करीब 100 करोड़ रुपए की कमाई करना। ये आंकड़ा हासिल करना फिलहाल काफी दूर नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से फिल्म की ओपनिंग थी 7 करोड़ की, उससे ये लग रहा था कि फिल्म दूसरे दिन और नीचे गिरेगी और तीसरे दिन थोड़ी बहुत कलेक्शन देखने को मिलेगी। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि फिल्म का कलेक्शन बरकरार है और 100 करोड़ तो नहीं है लेकिन हाँ 70 से 80 करोड़ के आसपास की कमाई कर सकती है। वेल दोस्तों, आपको इस बारे में क्या कहना है? क्या ये फिल्म हिट होगी? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।